यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम कुछ हद तक उस अपने लक्ष्य में कामयाब भी हुए हैं, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वीडियो का, वो त्रिकोणमिति जो श्रृंखला है उससे आधारित है। त्रिकोणमिति का पिछला वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का पढ़ाया था, जिसमें हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में समझा था। अब यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल विशेष है। इस टॉपिक में हम किसी कैलकुलेशन के बारे में या किसी सवालों को हल करने के बारे में नहीं समझेंगे। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके बारे में और उससे मिलती जुलती एक थ्योरम या थोड़ा सा इतिहास के हम बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। हो सकता है मैं जो वीडियो में इस वीडियो में जो बात बताने वाला हूँ या आपको पहले से पता हो, या हो सकता है नहीं भी पता हो। मोस्टली चांस है कि नहीं पता होगी, और यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो शायद पता होगी, इंग्लिश मीडियम से या सीबीएसई बोर्ड से हैं तो शायद आपको ये बात नहीं पता होगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति जो है पूरी आधारित है समकोण त्रिभुज पे। ठीक है, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, इसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज या बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये मैंने इसको नाम दिया ABC, ये 90 डिग्री है, हम इसे बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, या हम इसे समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं क्योंकि इसका एक कोण समकोण है। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, जैसा कि आपको पता ही है। इस भुजा का नाम है कर्ण या हाइपोटेनियस, इसका नाम है लंब या परपेंडिकुलर, और इसका नाम है आधार या बेस। ठीक है, ये है आपका समकोण त्रिभुज। अब पाइथागोरस प्रमेय आपने सब में पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, यानी कर्ण को यदि कर्ण से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका वर्ग निकलेगा, और आधार का जो वर्ग होता है वो प्लस लंब का जो वर्ग होता है वो, यानी कि आप लंब का जो वर्ग है वो और आधार का जो वर्ग है वो, उन दोनों को यदि आप स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आपके सामने जो वैल्यू आएगी वो कर्ण के वर्ग के बराबर होगी। इंग्लिश में अगर बात करें तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो है वो बेस के स्क्वायर के, और प्लस लंब जो है परपेंडिकुलर उसके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये बात अपन ने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ी थी, यही पाइथागोरस का कथन है। ठीक है, यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें, बिल्कुल परिभाषात्मक कथन की बात करें, यहाँ पर मैं कथन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब बोधायन प्रमेय और इसमें जब हम डिफरेंस करेंगे तो कथन आवश्यक होगा, तो यहाँ पर मैं कथन भी इसका लिख रहा हूँ। कथन क्या होगा? समकोण त्रिभुज में, यहाँ पे मैंने त्रिभुज को एक सिंबल से डिनोट किया है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है कथन पाइथागोरस प्रमेय का। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण की जगह आप हाइपोटेनियस माने, आधार बेस और लंब भी, यानी कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है, जैसा कि हमने सूत्र में देखा है। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय, ये आपने पढ़ी थी। अब देखिए, पाइथागोरस प्रमेय हम कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, और लगभग 7th क्लास या 8th क्लास में इसका हमारे सिलेबस में चालू हो जाता है। अब एक बात पता लगी कि पाइथागोरस जो वैज्ञानिक था, पाइथागोरस कौन था? पाइथागोरस एक वैज्ञानिक था, और जब इस वैज्ञानिक ने पाइथागोरस प्रमेय का आविष्कार किया, पाइथागोरस प्रमेय को खोजा, उससे कई साल पहले कोई और वैज्ञानिक भी इंडिया में उसे खोज चुका था। ये बात कैसे पता लगी? क्योंकि अंग्रेज हमेशा से आगे थे, और या जो विदेशी हैं वो ज़्यादा स्टडी में सब में आगे थे, और हमारे जो पुराने विद्वान होते थे वो बिल्कुल एक तरह से यूँ मान लो बाबा जी या जो विद्वान साधु महात्मा संत होते थे वो होते थे। तो जब जैसे जैसे खोज हुई, जैसे जैसे पता लगा, तो पता लगा कि जो बात पाइथागोरस ने बताई है वही बात पाइथागोरस से लगभग 300 साल पहले, ये लगभग 300 वर्ष पूर्व है, एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो मेरे को याद नहीं है, वो बुक्स में देखना पड़ेगा। तो लगभग 300 वर्ष पूर्व एक कोई विद्वान थे बोधायन,
उनका नाम था बोधायन। उन्होंने अपने जो पत्र होते थे, पहले पत्रों पे लिखा जाता था, उन्होंने अपने जो पत्र होते थे उन पत्रों पर जो भी उन्होंने लिखा था, उस लिखे हुए के आधार पर ये पाया गया कि ये जो बात पाइथागोरस ने बताई है, ये पाइथागोरस से 300 साल पहले ये बात बोधायन ऑलरेडी बता चुका है। फिर जब इन बातों की पुष्टि हुई तो बोधायन का जो कथन निकला, यानी बोधायन ने क्या बात बताई थी, उनका जब सार निकला, हालांकि उस समय भाषा कुछ अलग थी, लेकिन उस भाषा का अगर गणित के रूप में समझने के हिसाब से अगर सार निकाला जाए तो उसका कथन क्या था, उसका कथन ये था समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, आधार पर बने वर्ग का क्षेत्रफल और लंब पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का योग होता है या योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, ये कथन उन्होंने कहा था। अब इस कथन में देखिए क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल, जो आधार पर बने वर्ग का क्षेत्रफल है और जो लंब पर बने वर्ग का क्षेत्रफल है, उन दोनों के योग के बराबर होता है। किस तरह से ये हम लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज जिसमें ये समकोण है, ये भुजा है हमारी कर्ण, तो इसको भुजा मानते हुए एक वर्ग बनाना है, तो इसको भुजा मानते हुए अगर मैं एक वर्ग बनाऊंगा तो इस तरह का कुछ वर्ग आएगा। मैंने ये डायरेक्ट ही बनाया है बिना किसी स्केल के, तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, आप एडजस्ट कीजिएगा। ये इसी तरह से ये लंब है, इस लंब पर बना वर्ग, तो ये लंब पर बना वर्ग हो गया, और इसी तरह से ये आधार है तो आधार पर बना वर्ग, ये आधार पर बना वर्ग हो गया। ये यानी जो कर्ण पर बने वर्ग है इसका क्षेत्रफल, लंब पर बने वर्ग का क्षेत्रफल और आधार पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, इन दोनों क्षेत्रफल को जब आप जोड़ोगे तो वो इसके बराबर आएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बात और ये बात जो पाइथागोरस ने बताई थी दोनों में सेम थी, बस इसमें बताने का तरीका है वो क्षेत्रमिति यानी क्षेत्रफल के हिसाब से है, और इसका बताने का जो तरीका है वो संख्या के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से। एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, इसको मान लो सपोज मैंने 3 माना, इसको 4 माना, तो ये हो जाएगी 5। ठीक है, यहाँ पर अब एक बात और ध्यान रखना, 3, 4 और 5 अपन ने क्यों ली, क्योंकि 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है, यानी पाइथागोरस के रूल को फॉलो करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये भुजा 3 है, तो ये भुजा 3 होगी, तो ये वर्ग है, ये भी भुजा 3 होगी, और इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल पता होता है आपको क्या होता है, हमारे पिछले वीडियोस में मैंने बताया था भुजा इंटू भुजा, तो ये हो जाएगा 3 × 3 9, यानी 9 स्क्वायर मीटर इसका, या स्क्वायर फीट जो भी यूनिट है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी तरह से इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 4, तो ये भी 4 × 4 16, और इसी तरह से 5, ये 5, तो ये भी 5, तो 5 × 5 25। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि इस वर्ग का क्षेत्रफल 9, इस वर्ग का क्षेत्रफल 16, 9 + 16 = 25, और ये = 25, यानी ये इसके बराबर आता है, यानी ये भी पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है या बोधायन प्रमेय को संतुष्ट करती है। तो ये जो बात बताई थी, ये बताई थी बोधायन ने। ठीक है, पहले हम पाइथागोरस प्रमेय ही पढ़ते थे, लेकिन कुछ साल पहले एक वैदिक गणित नाम का टॉपिक हमारे सिलेबस में जुड़ा था, वैदिक गणित यानी वो गणित जिनका वर्णन वेदों में किया गया है, तो उस वैदिक गणित के जुड़ने के बाद जो भारतीय इतिहास की जो गणित है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने लगे, और तब पता लगा कि बोधायन ने वास्तव में जो बात पाइथागोरस ने बताई है वो बात बोधायन ने पहले ही बता रखी थी। तो हमें हिसाब से तो जो खोज होती है जो पहले करता है उसी का नाम आता है, लेकिन पता पहले पाइथागोरस का लगा, तो आज हम सब इनको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका नाम सही मायने में देखें तो, अगर पुराने विभाग की माने तो सही मायने में इसका नाम बोधायन प्रमेय ही होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कई स्टूडेंट बोलते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है सर, पाइथागोरस को चाहे बोधायन को, बिल्कुल सही, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाइथागोरस कहें या बोधायन कहें, लेकिन अभी भी इस बात पे डिस्प्यूट चल रहा है कि इसका नाम बोधायन प्रमेय होना चाहिए और पाइथागोरस प्रमेय होना चाहिए। लास्ट जब तक मुझे पता था जब तक डिस्प्यूट चल रहा था, अब हो सकता है कोई फैसला आ गया हो। इसका क्या फ़र्क पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ, इसका फ़र्क ये पड़ता है कि जो पाइथागोरस वैज्ञानिक था उसके जो पोते होंगे आज के टाइम में, उसके जो पड़पोते होंगे या उसकी जो पीढ़ी होगी, उस पीढ़ी को इस खोज की रॉयल्टी जा रही है, रॉयल्टी इनकम आपको पता है, रॉयल्टी इनकम जा रही है, और ये जो रॉयल्टी इनकम होती है लाखों करोड़ों में होती है, तो लाखों करोड़ों की इनकम इस पाइथागोरस के जो पीढ़ी है, जो बेटे हैं, पोते हैं, पड़पोते लड़पोते, उनको जा रही है। ठीक है, अब हिसाब से यही बात पाइथागोरस से पहले बोधायन ने बता दी थी, तो
हिसाब से क्या होना चाहिए कि जो ये जो रॉयल्टी है वो बोधायन की पीढ़ी को जानी चाहिए या बोधायन के जो पोते और पोते उनको जानी चाहिए। अब किसको जानी चाहिए किसको नहीं जानी चाहिए वो तो बाद की बात है, उनकी बात है, कोर्ट का मामला है, अपने इसमें कुछ नहीं। अपन को सिर्फ नॉलेज के हिसाब से ध्यान रखना है कि पाइथागोरस ने जो खोज की थी वही खोज बोधायन ने 300 साल लगभग 300 साल पहले कर ली थी, परंतु जो इनके पत्र थे या जो इनके ताम्र पत्र या जो भी पहले पत्तों पे वगैरह लिखते थे वो सभी चीज़ें बाद में मिली, फिर पता लगा कि ये और ये एक चीज़ है। अब इन्हें बोधायन पर में भी कहा जाता है, दोनों में केवल कथन का फर्क है, चीज़ वही है, सिर्फ कथन का फर्क है और ये वर्क स्क्वायर का बोलने का फर्क है। एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं, एग्जाम्पल से और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, यहाँ मैं पाइथागोरस के हिसाब से समझूंगा और यहाँ मैं बोधायन के हिसाब से समझूंगा। ये लो, इसका नाम मैंने दे दिया ए बी और सी, इसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू और आर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इसकी मैं मान लेता हूँ भुजा 10, 6 और 8, इसकी भी अपन मान लेते हैं ये किए सेम, दोनों सेम हैं। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से देखें तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पर आप देखो कि 36 प्लस जब आप 64 करते हो तो यहाँ पर 100 आता है, मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर वर्ग देखना है, यानी यहाँ पर जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल, यहाँ पर जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल और यहाँ पर जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल का योग क्या इसके बराबर है, यदि है तो ये बोधायन प्रमेय को संतुष्ट करेगा। अब ये 6 है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 36, ये 8 है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 64 और ये 10 है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि 36 प्लस 64 जब दोनों को आप प्लस करोगे तो 100, तो इस तरह से ये बोधायन है, ये वो है, पाइथागोरस है, दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ नाम का फर्क है, तो आपको दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और यदि आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारी मेल आईडी पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपका टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में, तो उस टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि उस पर हम वीडियो बना के आप तक पहुंचाएंगे और आपके साथ साथ कई स्टूडेंट्स का भी भला होगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें नॉर्मली प्रॉब्लम आती है, तो आप अगर एक प्रॉब्लम का टॉपिक बताते हैं और उस पर वीडियो बनती है तो उससे कई स्टूडेंट्स का लाभ होता है, और इसी प्रकार हम सब मिलकर गणित की नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को बार बार देखिए, अच्छी तरह सीखिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल को सभी मैथमेटिक्स पढ़ने वालों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।